Bharti ki requirement was her own personal identity and the fact that she wanted to be very happy and very free when she is at her own event. And she is, as it is, a very happy-go-lucky, very free-spirited girl. And usi ko exude karni thi hame unki style mein, unki look mein. And I think her bride ki taraf ek designer ke ye jimmedari rehti hai ki she should look beautiful, she should be comfortable, and she should always remember the most beautiful moments of her life very fondly. So whatever she wears should be beautiful and yet comfortable. And bas isi ko dhyan mein rakhte hue we styled her outfits. कैच आया था मेरे पास हर्ष का, ही सर मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए भारती के लिए. मैंने ड्रॉ किया एंड भारती ऐसे सर झुकाए आई थी, शी सर अब जो हर्ष बोलते हैं वही पहनना पड़ेगा. जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं बहुत टेंशन में आई थी. मैंने बोला वो समझ पाएंगे कि नहीं मेरे को, क्योंकि अपने अपने थोड़ा होता है कि मैं जैसे बैग डीप पहनती हूँ, आगे से नहीं पहनती, ये कैरी कर पाती हूँ वो नहीं. तो मुझे लगा इतनी बड़ी डिज़ाइनर के पास आऊँ कि मेरी सुनेंगे वो, आपको क्या चाहिए ऐसे पूछा. तो मैं इतनी खुश होगी, मैंने बोला मुझे ब्राइट कलर चाहिए, ऑफ शोल्डर पहनना और ऐसा ऐसा, मैं अलग दिखनी चाहिए, ऐसे लगे कि मत फेरी टेल प्रिंसेस. ओके, बस उन्होंने नहीं बोला कि नहीं ऐसा मत करो, ये मत पहनो, ऑफ शोल्डर नहीं, ऊपर तक पहनते हैं, ये कुछ नहीं बोला. मतलब मैं इतनी टेंशन फ्री हो गई ना, इतनी. मोस्टली तैयारियां हो गई हैं, 80% हो गई, 20% रहती हैं कि मतलब ट्रायल्स बाकी हैं, ये बाकी सब हो गया है. और बहुत एक्साइटेड भी हैं हम दोनों की आज 15 तारीख है, 15 दिन रह गए हैं बस बकरा कटने में, मतलब शादी होने में. कैसा लग रहा है, मतलब शादी के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है या आप ऐसे ही रहोगे बिंदास और केयर फ्री? केयर फ्री हाँ, लेकिन चेंज तो अब 7 साल से साथ में ही थे, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि हम कि क्या होने वाला है शादी के बाद. तो वही सेम ही है, और इसका भी घर कोई ऐसे मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, 2-4 बिल्डिंग छोड़ के ही है. तो ऐसे ससुराल वाला भी नहीं है कि अरे भाई गर्मियों की छुट्टी में माँ के घर जाऊँगे, ऐसा भी नहीं होगा.